आज इस पृथ्वी पर प्लांट्स और एनिमल की 8.7 मिलियन स्पेसीज अस्तित्व में है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 8.7 मिलियन के इस पॉपुलेशन में 5.5 मिलियन केवल इंसेक्ट स्पेसीज हैं, जो कि प्लांट और एनिमल के टोटल स्पेसीज के 66% हिस्से पर अपना दबदबा बनाए हुआ है, जिसमें चींटी, बग, मक्खी, बटरफ्लाई, अर्थवर्म, ग्रासहॉपर और ड्रैगनफ्लाई जैसे कई जहरीले और खूबसूरत जीव शामिल हैं। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं में से एक इंसेक्ट सेंटीपीड के जीवन चक्र और इसके जीवन से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे। सेंटीपीड, जिसे हम सतपात, गोजर, कन खजूरे जैसे अलग अलग नामों से जानते हैं, इसे अक्सर हम अपने घरों के आसपास देखते हैं मगर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि यह कीटों के वर्ग का सबसे जहरीला और क्रूर हत्यारा जीव है, जो कि छोटे कीड़े मकोड़े, पक्षी, छिपकली, चूहों से लेकर जहरीले सांप को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। आज इस पृथ्वी पर सेंटीपीड की 3000 प्रजातियां निवास करती है, लेकिन कई शोधकर्ता बताते हैं कि यह आंकड़ा 8000 के आसपास होगा, जिसमें 1.5 से 2 इंच के होने वाले कॉमन हाउस सेंटीपीड से लेकर 12 इंच के साइज के होने वाले जायंट अमेजोनियन सेंटीपीड शामिल है। सेंटीपीड आर्कटिक सर्किल से लेकर डिजर्ट एरिया में भी बड़े ही आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्र सेंटीपीड का पसंदीदा घर माना जाता है, क्योंकि यहाँ के क्षेत्रों में पाई जाने वाली नमी सेंटीपीड के विकास में एक अहम भूमिका निभाती है। वहीं दूसरा कारण यह है कि सेंटीपीड के शरीर में वैक्सी क्यूटिकल्स मौजूद नहीं होते, जिस कारण से इसके शरीर में मौजूद नमी में काफी तेजी में गिरावट होता है और शरीर सूखता है, और यही कारण है कि सेंटीपीड नदी तालाब के आसपास नमी वाले स्थान पर ही रहना पसंद करते हैं। आपको बता दें कि वैक्सी क्यूटिकल्स इंसेक्ट के शरीर को मॉइस्चर लॉस से बचाती है, शरीर को ताकत प्रदान करती है और इंसेक्ट के बॉडी पर एक प्रोटेक्शन कवर की तरह काम करती है। दोस्तों, एक सेंटीपीड के जीवन चक्र की प्रक्रिया में एक लार्वा और एडल्ट जैसे तीन स्टेज होते हैं, जिसकी शुरुआत मेल और फीमेल सेंटीपीड के मेटिंग रिचुअल्स के प्रक्रिया के साथ शुरू होती है, जिसमें फीमेल द्वारा फेरोमोन्स नामक केमिकल छोड़कर नर को अट्रैक्ट किया जाता है और मेल के सहमति के बाद इन दोनों के मिलन की प्रक्रिया शुरू होती है। अब अंडों के फर्टिलाइज होने के बाद मादा अपने विभिन्न प्रजातियों के आधार पर सरे हुए पेड़ के छेद, पत्थरों के बीच के दरार और मिट्टी जैसे सुरक्षित स्थान का चुनाव कर 10 से लेकर 50 तक अंडे देती है। अंडे देने के बाद सेंटीपीड के विभिन्न प्रजातियों में मादा द्वारा अंडे की देखरेख की जाती है और नमी वाले स्थान पर अंडों के होने के कारण अंडों की साफ सफाई कर उस पर फंगी को उगने से रोका जाता है और विभिन्न शिकारी जीवों से अंडों की सुरक्षा की जाती है। अब इन अंडों में बच्चों को विकसित होने में 10 से लेकर 50 दिनों का समय लग जाता है, जिसके बाद अंडों को तोड़कर नन्हे बच्चे बाहर निकलते हैं और अपने लाइफ साइकिल के दूसरे चरण यानी कि लार्वा स्टेज में चले जाते हैं। लार्वा स्टेज में सेंटीपीड लगभग 1 इंच का होता है, वहीं इसका शरीर पतला, नाजुक और हल्के रंग का होता है। दोस्तों, लार्वा स्टेज सेंटीपीड के जीवन का वह समय होता है जब इसके मरने की संभावना काफी ज्यादा रहती है, जिस कारण से लार्वा स्टेज में सेंटीपीड छोटे कीड़े मकोड़े और लार्वा जैसे जीवों को खाते हैं, अपनी सुरक्षा करते हैं और विकसित होने की इस प्रक्रिया में लगे रहते हैं। दोस्तों, वैसे तो सेंटीपीड के पास कई जोड़ी पैर होते हैं जो कि उसके विभिन्न बॉडी सेगमेंट पर पाए जाते हैं, लेकिन जन्म लेने वाले नए बच्चों के पास 4 से 5 जोड़ी ही पैर होते हैं और इनके शरीर में डंक मारने वाले फोर्सिप्यूल्स भी अभी विकसित नहीं हुए होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सेंटीपीड भी उन्हीं जीवों में आता है जिनका शरीर पूरी उम्र बढ़ता है, लेकिन इसका स्किन नहीं बढ़ता, जिस कारण यह अपने शरीर के बाहरी आवरण यानी कि स्किन को समय समय पर बदलता है, ठीक वैसे ही जैसे कि कोई सांप अपना खिंचुआ बदलता है। और सेंटीपीड के शरीर के बाहरी आवरण बदलने के इस प्रक्रिया में धीरे धीरे वक्त के साथ सेंटीपीड के नए सेगमेंटेड बॉडी, नए पैर और मजबूत एक्सोस्केलेटन का विकास होता है। वहीं आपको बता दें कि सेंटीपीड के डंक मारने वाले जहरीले फोर्सिप्यूल्स दरअसल इनके पैर ही होते हैं, जो कि डंक मारने वाले नीडल और शिकार को पकड़ने वाले पिंचर के रूप में विकसित हो जाते हैं। सेंटीपीड अपने विभिन्न प्रजातियों के आधार पर लार्वा स्टेज में 1 से 3 साल रहने के बाद यह अपने लाइफ साइकिल के तीसरे चरण यानी कि एडल्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं। एडल्ट स्टेज में सेंटीपीड के शरीर पूरी तरह विकसित हो चुके होते हैं, इसके शरीर मजबूत और गहरे रंग के हो चुके होते हैं और अब यह प्रजनन की प्रक्रिया में भाग ले सकता है। दोस्तों, एक एडल्ट सेंटीपीड के पास 15 से लेकर 150 बॉडी सेगमेंट और 30 से लेकर 300 पैर हो सकते हैं। सेंटीपीड को हमेशा नमी वाले स्थान और अंधेरे में रहना पसंद होता है और यही कारण है कि वे अक्सर रात के समय ही शिकार करते हैं। दोस्तों, एक सेंटीपीड अपने विभिन्न प्रजातियों के आधार पर कुछ महीनों से लेकर 5 से 6 सालों तक जीवित रह सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।